नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लीगल फील्ड से हूँ। मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के द्वारा देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गलत मैसेज पास कर रहे हैं, जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरु बनने जा रहा है, महासत्ता बनने जा रहा है। और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट्र जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई देखे कि कोई राष्ट्र के लिए हमारे देश के लिए आप गुजराती बोलिए, चिंता मत कीजिए। जी सर। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं आपका भाव मैं समझ गया हूँ। हम चाहते हैं सर कि हमारे देश में जो अराजकता हो रही है वो अराजकता बंद हो और हमारा देश का पूरा विकास हो, और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जैसे नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? वंदे मातरम। आपने ये जो चिंता की इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ये बात सही है। अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय की खबरें देखें तो एक टोली थी, बोली नहीं थी, बली भी नहीं थी, ये टोली लगातार कह रही थी पहले अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी, मोदी आने ऐसा, मोदी आने वैसा, मोदी आने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब बीजेपी ने हमको घोषित कर दिया तो उन्होंने चालू कर दिया। मोदी को कौन जानता है? गुजरात वाले जानते हैं, और कौन जानता है? फिर उन्होंने चालू कर दिया, बीजेपी के पहले इतने परसेंटेज वोट थे, बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे तो इसका इतना टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बता दिया था हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उस समय उन्होंने इतना सारी मेहनत की, नए नए तर्क दिए, न जाने क्या क्या बातें फैलाई, लेकिन जनता के गले नहीं उतरी, जनता के गले मोदी उतर गया। आप मुझे बताइए 2013-14 में जिन्होंने इतनी मेहनत की ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना चाहिए, उनके दिल में कितना गुस्सा भरा पड़ा होगा बताइए? वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो मोदी को हर हाल में नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नेगेटिविटी का कारण वही है। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते हैं तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं
तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। अच्छा, एक तो ये जमात हो गई जिनको मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, नाम भी पसंद नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी बेकार आदमी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले हमारे यहां फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3-2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था। ऐसे 6 करोड़ लोग जो गोश्त थे, भूतिया थे, जिनका अस्तित्व नहीं था। अब मैंने बंद कर दिया। जिन लोगों को सब्सिडी मिलती थी डायरेक्ट उनके खाते में जमा होने लगी, तो बिचौलियों की दुकान बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपया, कितना कितना 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? ना वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? मोदी उनको मुसीबत लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे बताइए, देश के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए? मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 2019 में क्या होगा, ऐसे डरते रहना चाहिए क्या? हिम्मत से देश के हित में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और इसलिए मैंने किया है। नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारक, मैंने देश हित में काम किया है, पूरी पवित्रता के साथ किया है। आपकी तरफ से पॉजिटिव समाचार पहुंचाने का प्रयास, अगर आप में से कुछ लोग नमो ऐप पर चले जाएंगे, कितने लोग हैं जिनके पास नमो ऐप है? काफी लोगों के पास है, लेकिन बहुत लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। करेंगे? उसके अंदर सारी जानकारियां, सही जानकारियां सरकार की, एक एक मिनट की जानकारी है। उसमें से जो आपको ठीक लगे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपको परिवारों को फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी का माहौल अपने आप बनने लग जाएगा।